दुनिया भर में योग दिवस की धूम। भारत के लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। लखनऊ के मदरसा में भी मुस्लिम बच्चों ने किया योग। इक्कीस जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2023 में नौवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत भले ही भारत में हुई हो, लेकिन आज भारत के साथ विश्व भर के देश इसे सेलिब्रेट करते हैं। दुनिया के कई देश और वहां के लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। योग दिवस का उद्देश्य है कि पूरी दुनिया में लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जाए, ताकि सब फिट रहें और तंदुरुस्त रहें। इसी कड़ी में भारत के भी सभी राज्य, शहरों, जिलों में योग दिवस मनाया गया, जिसकी अलग अलग तस्वीरें देश भर से सामने आई। प्रधानमंत्री से लेकर केंद्र के मंत्री योग दिवस में शामिल होते हुए नजर आए। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के भी 75 जिलों में योग अभ्यास किया गया और इसके बाद उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में योग दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मदरसे में भी योग अभ्यास किया गया और लखनऊ के मदरसा दारुल उलूम वारसिया में भी योग का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मदरसा छात्रों ने हिस्सा लिया और योग के तमाम आसन किए। लखनऊ के मदरसा दारुल उलूम वारसिया गोमती नगर में मदरसे के शिक्षकों और बच्चों के साथ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद ने भी योगा किया। इस दौरान उनके साथ भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली भी मौजूद रहे। इस आयोजन में मुस्लिम बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए नजर आए। वही हम आपको ये भी बता दें कि लखनऊ के साथ पूरे राज्य में सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों में योगा दिवस के कार्यक्रम को आयोजित किया गया। प्रदेश में करीब 16,531 मदरसे हैं, जिनमें से 558 मदरसों को सरकार से अनुदान मिलता है। आपको ये बता दें कि जिस दौरान लखनऊ के मदरसे में कार्यक्रम हुआ, उस दौरान बारिश ने भी कार्यक्रम में खलल डाला, लेकिन बच्चों का उत्साह इससे बिल्कुल कम नहीं हुआ। बारिश रुकने के बाद सुहावने मौसम के बीच सभी बच्चों ने कार्यक्रम को सफल बनाया। इस मौके पर मौजूद रहे अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद ने कहा कि आज दुनिया इस दिवस को मनाने जा रही है। इस दिवस का यही उद्देश्य है कि सभी लोगों को योग से जोड़ा जाए। योग को किसी भी धर्म और समुदाय के साथ जोड़कर देखना पूरी तरीके से गलत भी होता है। आज भारत विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, जिसमें हमें हिस्सा लेना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और पूरे देश में, पूरे दुनिया में योग मनाया जा रहा है और आज लखनऊ के भी इस मदरसे में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शामिल हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में मदरसे के बच्चे शामिल हुए हैं। योग जो है, इसको एक स्पोर्ट्स एज आर्ट देखना चाहिए, हेल्थ की तरफ एक एक्टिविटी देखनी चाहिए। इसको किसी जाति धर्म मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए। आज हमारा देश जाति धर्म मजहब की बेड़ियों को तोड़ते हुए विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है और हम सबको भी इसमें सहयोग करना चाहिए। इसके अलावा मौके पर मौजूद रहे राज्य के बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने कहा कि मोदी जी की लीडरशिप में 2015 में योग शुरू हुआ, हम भी लखनऊ पहुंचे हैं और आज योग को दुनिया में बढ़ावा मिल रहा है। योग दिवस के अवसर पर योग हो रहा है, इसमें मोदी जी के नेतृत्व में जब से 2015 से योग शुरू हुआ है, तमाम मदरसे और तमाम मदारिस के बच्चे और तमाम तालिबे इल्म लगातार योग को बढ़ावा दे रहे हैं। आज मदरसा वारसिया लखनऊ में बड़ी तादाद में देख रहे हैं कि योग के लिए बच्चे हैं और लगातार इसको आगे बढ़ावा मिल रहा है और पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में योग को बढ़ावा मिल ही रहा है। वहीं हम आपको बता दें कि लखनऊ के मदरसे के साथ साथ देश भर के तमाम जिलों से, राज्यों से तमाम तस्वीरें सामने आई, जिसमें तमाम लोगों ने योग दिवस को सफलतापूर्वक मनाया। इसके साथ ही दुनिया भर की तस्वीरें भी हमें देखने को मिली। आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।